चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं नॉनवेज थाली। उसमें मैं दो तरह की भाजी बनाऊंगी, एक चिकन तरी वाला चिकन और एक एग फ्राई करूंगी। सूखी सब्जी रहेगी अंडे की। मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था एक डेढ़ घंटे पहले ही। मैंने डिटेल दे दिया है। अब चिकन को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल डालिए। मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसमें इलायची, काली मिर्च और तेज पत्ता डालकर आप कटे हुए 3 से 4 प्याज डालिए, उसे भूनिए। उसे भूनने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिली पेस्ट डालकर उसे 2 मिनट भूनने के बाद हमने जो चिकन मैरिनेट किया उसे डालकर हाई फ्लेम पे आप 3 से 4 मिनट के लिए भूनिए। चिकन भूनते वक्त मैंने उसमें नमक, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी डाला है। ये सब डाल के बाद अब भूनते रहिए उसे। और मैंने इसमें टमाटर 2 से 3 टमाटर की प्यूरी डाली है, दरदरा पीसा है मैंने उसे। आप चाहे तो टमाटर काट कर भी डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद मैंने इसमें कम से कम 2 से 3 कप पानी डाला है, क्योंकि मुझे इसे तरी वाला बनाना है ऑलमोस्ट। अभी इसे मैं कम से कम पानी डालने के बाद इसे आप ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पकाइए। देखिए 15 से 20 मिनट बाद ऑलमोस्ट इसका पानी हाफ हो जाता है और ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है। अगर आपको और थिक करनी है तो आप इसका पानी जला सकते हैं। इसमें धनिया पाउडर डाल के, सॉरी धनिया धनिया के पत्ते डाल दीजिए। देखिए ऑलमोस्ट ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है, मतलब तरी वाला टाइप हो गई है। अगर आपको और गाढ़ी करनी है तो आप इसके पानी कुछ जला सकते हैं। एग की सूखी सब्जी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने पैन में तेल डाला है और मैंने इसमें कम से कम 2 से 3 प्याज डाले हैं, क्योंकि ये सूखी सब्जी है और इसमें बिना टमाटर के, तो इसमें कम 2 से 3 प्याज डालना है। प्याज भूनने के बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसे भूनिए। मिर्ची, कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक डालकर आप 2 चम्मच पानी डालकर इसे पकाइए। जैसे ही ये पक जाए आप इसमें बॉयल एग डाल दीजिए। देखिए मैंने 3 से 4 बॉयल एग को काट लिया है। इसे आप 2 से 3 मिनट पकाने के बाद गैस बंद कर दीजिए और धनिया पाउडर डाल दीजिए। एग की भी सूखी सब्जी बन गई है। और मैंने यहाँ पे आटे की तंदूरी रोटी बनाई है, जो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में वेज थाली में बनाकर दिखाई है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार देख लेना वेज थाली। और आपको एग की भी एक थाली चाहिए, एग थाली, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना आपको ये थाली कैसी लगी। और आपको पूरी एक थाली एग की चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो वो भी डालूंगी। मैं सैलेड, एक सूखी सब्जी और साथ में बॉयल एग रखा है। उसके ऊपर मैंने थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर और चाट मसाला डाल दिया है। आपको ये थाली कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।